पता है आज मैं कौन सी कहानी सुनाने वाली हूँ? आज मैं तुम्हें एक रात की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसमें ये बताया हुआ है कि दुनिया में रात कहाँ से आई। बिल्कुल सही, पहले दुनिया में रात नहीं हुआ करती थी, हमेशा दिन रहता था, चारों तरफ हमेशा रोशनी रहती थी। लोगों को पता ही नहीं होता था कि सनसेट क्या होता है, सनराइज क्या होता है, क्योंकि वहां पे हमेशा सन रहता था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे दुनिया में रात आने लगी। पता है क्या हुआ था? तो ये बात बहुत पुरानी है, बहुत 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 पुरानी बात है। तो उन पुराने दिनों में समुद्र के अंदर एक राजा रहा करता था, जो वहां के जितने भी जानवर हैं, समुद्री जानवर, उनके ऊपर राज करता था। उस राजा की एक बेटी थी, और बेटी जब बड़ी हुई तो उसको लैंड यानी कि जमीन पे रहने वाला एक आदमी पसंद आ गया। उसे अपने पापा से बोला कि वो शादी करना चाहती है। समुद्र का राजा बात मान गया और उन्होंने अपनी बेटी की शादी उस आदमी से कर दी। शादी करने के बाद वो लड़की अब उस आदमी के साथ रहने लग गई। उस लड़की को जमीन के ऊपर रहने वाली बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी लगती थी। उसको बहुत सारे जानवर पसंद थे, पेड़ पौधे पसंद थे, हवा वो अच्छे से महसूस कर पाती थी, आसमान में बादल उसको और साफ दिखाई देते थे, और बारिश वो तो उसको बहुत ही अच्छी लगती थी। कुछ दिनों तक ये सब कुछ बढ़िया से चलता रहा, वो खुश थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो बीमार रहने लग गई। उसको हमेशा ऐसा लगता कि सर में दर्द हो रहा है, आंखें ठीक से खुल नहीं रही हैं, आराम करना है, और वो बहुत कोशिश करती आराम करने की, लेकिन वो नहीं कर पाती, और धीरे धीरे वो बीमार होती गई। उसकी इस परेशानी को उसके हस्बैंड ने देखा और उसने बोला कि बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो लड़की ने कहा, मुझे मुझे अगर कहीं से रात मिल जाए और मैं आराम से सो जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। उस आदमी ने पहली बार ये बात सुनी थी, रात? रात क्या होती है? तो लड़की ने कहा, तुमने कभी रात के बारे में नहीं सुना? हाँ, मैंने कभी सुना ही नहीं है रात के बारे में। यहाँ तो हमेशा उजाला रहता है, हमेशा सन रहता है, ये रात कैसी होती है? लड़की ने बताया, मैं जहाँ से आई हूँ ना, वहाँ पे अलग-अलग तरह के शेड्स होते हैं, कभी डार्क, कभी लाइट, कभी सन की रोशनी आती है। तो उसमें जो सबसे अंधेरे वाला शेड होता है ना, जहाँ पे चारों तरफ अंधेरा होता है, तो उस शेड में आपकी आंखों को एक आराम मिलता है, और उस शेड में आप अपनी आंखों को बंद करो और फिर देखो आपको कितनी अच्छी नींद आती है। तो आदमी ने बोला, नींद तो हम भी लेते हैं। पर लड़की बोले कि वो जो शेड वाली नींद होती है ना, रात वाली नींद, वो बहुत अलग होती है। तो आदमी ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ, ये रात कहाँ से आ सकती है? लड़की ने कहा, ये रात तो सिर्फ समुद्र के नीचे ही रहती है, तुम अगर वहां से ला सकते हो तो ले आओ। तो जल्दी ही उस आदमी ने अपने 3 एम्प्लॉयज को बुलाया जो उसके यहाँ पे काम करते थे, और उनको बोला कि जाओ समुद्र के नीचे जाओ, और जो इनके पापा हैं उनसे बात बोलो कि हमें रात चाहिए, तभी इनकी तबीयत सही होगी। तीनों आदमी कई दिनों तक चलते रहे और फिर वो समुद्र के नीचे गए और उन्होंने और गहराई में खूब ढूंढा, और फाइनली फिर वो उस लड़की के राजा यानी कि उसके पापा से मिले। और उसके पापा को जब सारी बात बताई तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें रात दे देता हूँ। उन्होंने एक बैग लिया और उसमें कुछ डाल दिया, ऊपर से उसके जिप लगा दी और दे दिया, और कहा कि इसको खोलना नहीं है, इसको सिर्फ मेरी बेटी को ही देना, वही इसको खोलेगी। ठीक है, फिर तीनों आदमियों ने उस बैग को उठाया। थोड़ा भारी बैग था, थोड़ा नहीं, एक्चुअली बहुत भारी बैग था। फिर वो बैग उठाते उठाते ऊपर जब आ रहे थे, जैसे ही वो ऊपर धरती पे पहुंचे, उनको बैग से ना आवाजें आने लग गई और बैग थोड़ा थोड़ा हिलने लगा। तो उनको लगा कुछ गड़बड़ तो नहीं है। एक ने याद दिलाया कि नहीं, उन्होंने कहा था कि इस बैग को खोलना नहीं है, खाली जाकर हमें देना है। तो दूसरे ने बोला, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तो भाग रहा हूँ यहाँ से। और तीसरा बोला,
अरे रुको, इसमें डरने वाली क्या बात है, अभी खोल के देख लेते हैं कि ये हिल क्यों रहा है और इसमें से आवाजें क्यों आ रही है। फिर तीसरे ने फटाफट उसकी जिप खोल दी, और जैसे ही बैग की जिप खोली तो सोचो क्या हुआ होगा, उस बैग के अंदर काला सा कुछ अंधेरे जैसा था और वो धीरे धीरे बाहर आने लगा, और उसके साथ ही आए बहुत सारे जानवर और पक्षी जो रात के थे, जैसे कि उल्लू आया। और तुम बताओ रात में कौन सा जानवर जागता है जो आया होगा। ये तो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि उसमें से ऐसा कौन सा जानवर आया होगा जो रात में जागता है। तो जितने भी रात वाले पक्षी थे और जानवर थे, वो सारे उस बैग से बाहर आके चले गए, और रात धीरे धीरे फैलने लगी। वो तीनों इतने डर गए थे कि उन तीनों ने सोचा कि अगर अब किसी को पता चला कि हमने गड़बड़ करी है तो फिर हमें डांट पड़ेगी। तीनों जंगल की तरफ भाग गए और फिर किसी पेड़ के नीचे छुप गए, और वहां पे जो वो लड़की थी वो इंतजार कर रही थी कि कब आएगी रात, कब मेरे पिता के घर से मुझे बैग मिलेगा। और ये सोचते सोचते वो अपने घर से बाहर निकली, जहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ था, और उस पेड़ के नीचे वो बैठ गई, और उसने देखा धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है। उसको लगा हाँ यही तो मुझे चाहिए था, रात रात आ रही है। और जैसे जैसे वो अंधेरा वो रात उसकी तरफ आने लग गई ना, अब लड़की को नींद आने लगी और लड़की उसी पेड़ के नीचे सो गई। कुछ देर बाद उसका हस्बैंड वहां पर आया, उसके हाथ में कुछ आग जैसा था क्योंकि चारों तरफ तो अंधेरा फैल गया था। उसने देखा कि वो वहीं सो गई है, उसने उसको उठाया, लेकिन तब तक वो कई घंटों की नींद ले चुकी थी। जब वो उठी तो उसने देखा कि चारों तरफ अभी पूरी रात फैली हुई है, वापस से दिन तो हुआ नहीं, सूरज तो आया नहीं, अब क्या करें। आदमी ने बोला, क्या तुम इसी के बारे में बात कर रही थी, ये अंधेरा, ये काला काला सा शेड। उसने बोला हाँ मैं इसी की बात कर रही थी, अब देखो जब ये आई ना तो मुझे बहुत अच्छी नींद आ गई, जिससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर आदमी ने बोला, लेकिन अगर हमेशा यही रहेगा तो हमारे खेतों का क्या होगा, हमारे सारे प्लांट्स का क्या होगा, हम हमेशा अंधेरे में तो नहीं रह सकते ना। लड़की ने बोला, बात तो सही है, तो अब क्योंकि मैं ठीक महसूस कर रही हूँ तो मैं वापस जाती हूँ। लड़की वापस गई अपने पिता के पास और उसने उनको सारी बात बताई। पिता ने कहा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, जो तुम्हारे पास वो तीन लोग थे ना, तुमने मेरे पास भेजे थे, उनको मैंने बोला था कि बैग को नहीं खोले, पर उन्होंने शायद रास्ते में बैग खोल दिया, जिसकी वजह से अब सिर्फ और सिर्फ रात है। फिर लड़की ने कहा, अगर हमेशा सिर्फ और सिर्फ रात होगी तब तो हम लोग नहीं रह पाएंगे, क्या कुछ हो सकता है। पिता ने सोचा और फिर बोला कि हो सकता है, और उनको मैजिक भी आता था, तो उन्होंने क्या किया कि इतना फैल गया है, वापस से समेटना बैग में डालना ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं बारी लगा सकता हूँ कि दुनिया में कुछ देर के लिए वो अंधेरा आएगा और फिर वो चला जाएगा, और फिर सूरज आएगा वापस से, और थोड़ी देर बाद फिर अंधेरा वापस आ जाएगा। तो इस तरह से उस राजा ने मैजिक करके बारी लगा दी, जिससे कि दिन आता है और फिर रात आती है, फिर दिन आता है और फिर रात आती है, और उनकी ये बारी लग गई। अच्छा तुम इमेजिन करो कि अगर ऐसा हुआ ही नहीं होता और हमेशा सिर्फ और सिर्फ दिन होता तो तुम क्या करते। तुम वहां पे सोचो कि तुम क्या करते, और मैं यहाँ पे सोचती हूँ कि अगर हमेशा दिन ही दिन होता तो मैं क्या कर रही होती पूरा दिन।